हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल साइंस, जिनमें जो है जनरल साइंस के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे, जो आरआरबी, एसएससी या अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। द एलिमेंट्स विच हैव ए टेंडेंसी टू फॉर्म नेगेटिव आयंस, ए मेटल्स, बी नॉन मेटल्स, सी मेटालॉइड्स एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो उस एलिमेंट्स को क्या कहते हैं जिसके पास नेगेटिव आयंस बनाने की टेंडेंसी होती है, या जिनके द्वारा हम नेगेटिव आयंस बना सकते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो वो हमारा कहलाता है नॉन मेटल्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के द्वारा जो है नेगेटिव आयंस बनाया जाता है, और मेटल्स के द्वारा जो है वो पॉजिटिव आयंस बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपोनेंट ऑफ विटामिन B12 इज ए कोबाल्ट, बी मैग्नीशियम, सी कैल्शियम एंड डी सोडियम। इनमें से कौन सा है जो विटामिन B12 का कंपोनेंट है? तो विटामिन B12 का जो कंपोनेंट है वो है कोबाल्ट। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कोबाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो वाज इन्वेंटेड बाय, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है लॉरेंस, बी मार्कोनी, सी लुइस ब्रेल एंड डी मिलिकन। जो रेडियो का आविष्कार है वो किसके द्वारा किया गया था? तो रेडियो का आविष्कार जो है वो मार्कोनी के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मार्कोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये हमारा बेसिक क्वेश्चन है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन डिस्क्राइब्ड बाय ए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, बी न्यूटन सेकेंड लॉ, सी न्यूटन्स थर्ड लॉ एंड डी नॉन ऑफ दीज। तो ये जो लॉ है वो न्यूटन के किस लॉ के द्वारा डिस्क्राइब किया गया है? तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये डिस्क्राइब किया गया है न्यूटन्स थर्ड लॉ के द्वारा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, न्यूटन थर्ड लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ लीवर इज कॉल्ड ए साइटोलॉजी, बी हेपेटोलॉजी, सी अर्थोलॉजी एंड डी हिस्टोलॉजी। जो लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो लीवर का जो अध्ययन है वो कहलाता है हमारा हेपेटोलॉजी। इसका आंसर है ऑप्शन बी, हेपेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करंट ऑब्टेंड बाय ट्रांसफार्मर, ए एसी, बी डीसी, सी बोथ एसी एंड डीसी एंड डी नन। तो जो करंट जो ट्रांसफार्मर से हमें जो करंट प्राप्त होता है, ट्रांसफार्मर के द्वारा जो है करंट हमें प्राप्त होता है, वो किस टाइप का करंट होता है? तो ये हमारा होता है एसी करंट, जिसे हम लोग अल्टरनेटिंग करंट भी कहते हैं। तो इसका पूर्ण रूप होता है एसी का अल्टरनेटिंग करंट। डीसी का पूर्ण रूप होता है, फुल फॉर्म यानी कि जिसे कहते हैं, वो होता है डायरेक्ट करंट। तो जो ट्रांसफार्मर के द्वारा जो हमें करंट मिलता है वो मिलता है एसी करंट। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, एसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज ए हर्ट्ज, बी डेसिबल, सी टेस्ला एंड डी वेबर। तो एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट क्या होता है? तो फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट होता है हर्ट्ज। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी रिजल्ट इन, ए अस्कर्वी, बी लॉस ऑफ फर्टिलिटी, सी रिकेटस एंड डी बेरीबेरी। तो विटामिन बी की कमी से हमें कौन सा रोग होता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिक्स है। तो विटामिन बी की कमी से जो हमें रोग होता है उसे हम लोग रिकेटस कहते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, रिकेटस। विटामिन जो बेरीबेरी जो रोग होता है वो विटामिन बी की कमी से होता है। अस्कर्वी जो हमारा होता है वो होता है विटामिन सी की कमी से। लॉस ऑफ फर्टिलिटी होता है, उसे हम लोग कहते हैं विटामिन ई की कमी से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रिकेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स ए मैकेनिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी, बी मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड डी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो किसको किस में कन्वर्ट करता है? तो इलेक्ट्रिक मोटर हमारा जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। यहाँ ऑप्शन सी के जगह ऑप्शन डी हो गया है, तो ये हमारा ऑप्शन सी है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है वो इलेक्ट्रिक मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइडल वेव्स ऑन सी इज मेनली ड्यू टू ए रोटेशन, बी रेवोल्यूशन,
सी ग्रेविटेशन इफेक्ट ऑफ मून ऑन अर्थ एंड डी नन ऑफ द एबव। जो टाइडल वेव होता है सी में वो किसके कारण से होता है, तो टाइडल वेव ऑन सी होता है वो होता है ग्रेविटेशन इफेक्ट ऑफ मून ऑन अर्थ के कारण, ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा टाइडल वेव होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ग्रेविटेशन इफेक्ट ऑफ मून ऑन अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन ए एक्सरे, बी रेडियो वेव, सी इंफ्रारेड रे एंड डी गामा रे। तो इनमें से किसके पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है, तो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है वो है गामा रेज, गामा रेज के पास हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गामा रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कलर ऑफ लाइट शोज मिनिमम डेविएशन व्हेन इट्स पासिस थ्रू प्रिज्म। ऑप्शन ए रेड, बी ग्रीन, सी येलो एंड डी वॉयलेट। तो इनमें से कौन सा कलर है जो प्रिज्म के द्वारा जब पास होता है तो उसमें मिनिमम डेविएशन दिखाता है, तो जो वो कलर है उसे हम लोग कहते हैं रेड। जो रेड है हमारा वो मिनिमम डेविएशन दिखाता है जब वो प्रिज्म के द्वारा पास किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रेड। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो RRBSS के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मोर अपडेटेड वीडियो के लिए इस चैनल को लाइक करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।